तो गाइस अभी हम बॉगीबिल में हैं, रुक रहे हैं, ज्यादा देर तक हम नहीं रुक सकते क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया था और इनका भी जर्नी सेम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम तिनसुकिया जा रहे हैं गुइजान, ये लोग जा रहे हैं भाई तिलिंगा मंदिर। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी उस ब्रिज में जिस ब्रिज का मैं जिक्र करा था, और उन बगुलों को भी एक बार देख लो यार, मछलियां पकड़ रहे हैं, और साथ ही साथ उन अंकल को भी देखो भाई, ये भी मछली पकड़ रहे हैं भाई। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रॉपर्टी है और यहाँ खतरनाक तरीके से एक टाइम में आग लगा था पूरे नदी में भाई। ये एक फेरी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं रिवर के, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना पूरा का पूरा एरिया एक नेशनल पार्क है गाइस। ओह शिट मैन, बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है गाइस। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो तुम बिचाने वालों, फिर से स्वागत है कनवर वीडियो में। और गाइस आज है संडे सुबह सुबह, तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है संडे राइड के लिए। अपने स्कॉर्पियन देख सकते हो, काली चमक रही है भाई साहब, इसको लेकर के आज एक राइड का प्लान है गाइस। वो राइड क्या है मैं आपको बता, देखो आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम होगा अनसीन असम। मतलब ये बेसिकली एक ऐसा सीरीज होने वाला है जिसमें मैं असम के उन जगह पर जाने वाला हूँ जिसको यूट्यूब में बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, अगर एक्सप्लोर किया भी होगा तो वो उतने ज्यादा फेमस नहीं होंगे, और मैं जाऊंगा सारे जगह को एक्सप्लोर करूंगा। और उस पूरी सीरीज का नाम होगा अनसीन असम, मतलब जो कि आपने बहुत रेयरली देखा होगा या तो फिर आपने कभी देखा ही नहीं होगा। और इसलिए आज का पहला राइड अपनी स्कॉर्पियन के साथ तुम्हारा भाई कर रहा है यहां से गुइजान, गुइजान घाट एंड देन मागुरीबिल, फिर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। गाइज इनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, और आज तुम्हारा भाई जा रहा है उन जगह को एक्सप्लोर करने। बट उससे पहले एक बार मौसम की हाल दिखा दो भाई, क्या खतरनाक मौसम हो रखा है, देख सकते हो अभी जस्ट बारिश आई है और बारिश में मैंने अपनी स्कॉर्पियन को रखा था बाहर। भाई देखो गाइज, देख सकते हो बूंदाबांदी होकर के बाइक पूरा धुल चुका है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। गाइज पीछे स्कॉर्पियन को देख रहे हो ना गाइज, इसको अभी रखते हैं कोल्ड स्टार्ट के लिए 3 से 4 मिनट, फिर अपन खाना खाएंगे तब तक, और रेन कवर पहन के या फिर रेन सूट पहन के निकल जाएंगे राइड में। और गाइज अभी देख सकते हो बारिश पूरी रुक चुकी है, कुछ देर पहले बारिश आई थी। बाइक देखो फिर से दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो पानी थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है, मतलब भाई ज्यादा तेज बारिश आई तो फ्लड ही आ जाता है, आपने देखा होगा वीडियो में। तो मतलब अभी क्या हुआ कि मैं जैसे खाना खा रहा था और ये बाइक बाहर थी कोल्ड स्टार्ट के लिए, और तभी मिस्टर होला का फोन आया और वो बोलता है कि भाई आज मैं खाली हूँ, भाई मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। तो अभी प्लान क्या हुआ कि अभी मेरे को मिस्टर होला को भी पिक करना होगा, मिस्टर होला और मैं हम दोनों मिलकर जा रहे हैं इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ट्रिप। जैसे नेक्स्ट संडे जो होगा मिस्टर होला अपने बाइक में जाएगा, तो ऐसे करके हम प्लान मिला रहे हैं। और मिस्टर होला बहुत जल्दी एक सैमसंग का फोन लेने वाला है, उसके बाद तो भाई वो भी चकाचक ब्लॉग्स बनाने शुरू कर देगा। तो गाइज फाइनली अभी निकल चुके हैं, पीछे अपना दुकान देख सकते हो, और हमारे फूफा जी भी आए थे बुआ जी को लेने के लिए, पीछे देख सकते हो फूफा जी, फूफा जी का गाड़ी। फूफा जी बाय बाय, ओए बाय बाय दिनू। फूफा जी थोड़े कैमरा फ्रेंडली नहीं है इतने, देखा उन्होंने, चलो उतना ही काफी। गाइस अभी मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा रेनी टाइप का ना, बूंदाबांदी हो रहा है, जब मतलब शांत हो जाएगा, जब प्लेन रास्ता आएगा तब से हम मोटो ब्लॉग, मतलब वहां से हम मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस फटाफट अभी यहाँ से निकलते और सीधा बाइक में जाते हुए आपको सीन दिखाते हुए लेके चलते, चलो 3 2 1 0। ओके तो गाइस अभी आए हैं पेट्रोल रिफ्यूल करने के लिए, और यहाँ प्राइस चल रहा है 98.84। चले भैया डालिए, बस रेन दीजिए 460 कर दीजिए। ओके तो 460 का पेट्रोल आना, 4.66 लीटर। तो गाइस उस पेट्रोल पंप से आने के बाद हम यहाँ रुके, और यहाँ से भाई सीन देखो, बैकग्राउंड में पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, और भाई पूरा ग्रीन 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 चारों तरफ ग्रीन, और इस साइड का नजारा तो हो भाई क्या बताओ यार, क्या ही सुंदर नजारा है भाई, क्या ही सुंदर नजारा, देख सकते हो भाई कितना प्यारा सीन है। और यहाँ देख सकते हो आंटी अपने गाय बैल के साथ आई हैं, मतलब गाय बैल को चरा रही हैं, पूरा गांव का माहौल, मतलब माहौल इतना सॉलिड है भाई क्या बताएं। और रास्ता भाई सीधा जा रहा है बॉगीबिल की तरफ, और मिस्टर होला यहीं से इंट्रो देने की सोच रहे हो ना, एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, शायद किसी के इमरजेंसी हो रखा होगा। तो चलो मिस्टर होला को इंट्रो बनाने देते हैं, और फिर आपसे बॉगीबिल या फिर कहीं और मिलते हैं। सीन देखो भाई पहाड़ के कितने अल्टीमेट, कितने प्यारे सीन आ रहे हैं। और भाई नदी देख सकते हो, नदी पूरा उफान में, पूरा पानी भर चुका है, इस तरफ भी देख सकते हो खतरनाक पानी भर चुका है भाई। तो गाइस अभी हम बॉगीबिल में हैं, रुक रहे हैं, ज्यादा देर तक हम नहीं रुक सकते क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया था, सुनने में आया था ऐसा, न्यूज में भी मुझे मिला था। तो यहाँ ज्यादा देर हम नहीं रुक रहे क्योंकि पुलिस भी यहाँ ज्यादा देर रुकनी नहीं देती, अगर पुलिस यहाँ से आते जाते हमें मिली तो फिर भाई फाइन वाइन लगा सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर आप बॉगीबिल आते हो तो ऐसे रिजॉर्ट आपको मिलेंगे किनारे में, उस पार है ये गाइस, ठीक है ना, अपने उस पार इस तरफ का है, और उधर तो भाई आपको पता ही है यार बहुत ही फेमस आपका कांचन रिजॉर्ट आपको उधर मिल जाएगा। गाइस परसों मुझे कॉल भी आया था नंदन बजाज की तरफ से, और नंदन बजाज में मेरा आरसी फाइनली आ चुका है, आरसी कलेक्ट करने के बाद उसके बाद बाईपास रास्ते से होते हुए अपन आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप में मिलेगा। रास्ते में चलते चलते हमें मिले कुछ भाई, टोटल 6 बंदे है, ये भी भाई अपने डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे कि हम है सिलापतार से और भाई लोग है धेमाजी से, और इनका भी जर्नी सेम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम तिनसुकिया जा रहे हैं गुइजान, तुम्हारे
ये लोग जा रहे भाई तिलिंगा मंदिर जो कि नाहरगढ़ी के आसपास ही होता होगा। तो भाई लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक देते हैं, सबसे शेक मिलाते हैं। भाई बेस्ट ऑफ लक भालदोड़े जो है ओ भाई, ये यूट्यूबर है पीजे ब्लॉग्स। तो गाइस पीजे ब्लॉग्स नाम के भाई है जो साइकिल करते हैं। देखो भाई एक ओल्ड मॉडल का साइकिल भी, भाई इसमें भाई राइड करना ये इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी गाइस ये साइकिल मतलब इन सारे साइकिल को छक्के छुड़ाने के लिए काफी है ना। कि कुआ इनका ना भाई बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक भालदोड़े जुआरे। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक। और भाई यूट्यूबर इधर भी यूट्यूबर है। चलो चेक 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 कुआ चैनल नाम कुआ डीके वीडियोस। भाई और दो बंदे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, अच्छा लगा मिलके। टोटल 8 बंदे जा रहे हैं हेमाजी टू तिनसुकिया साइकिल में। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। गाइस आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, अब देखते हैं गाइस हमें रोकते हैं या फिर नहीं। अगर रोकते हैं तो डेफिनेटली भाई सारा कुछ चलो रोक ही दिया, एवरीथिंग बाय डॉक्यूमेंट्स हम दिखा। तो गाइस यहां चल रहा था पुलिस का चेकिंग, मिस्टर वाला से क्या मांगा? लाइसेंस, सिर्फ लाइसेंस मांगा, उसके बाद हमें छोड़ दिया। और बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात भी की और बहुत हम्बल टाइप के थे। तो बस लाइसेंस देगा डिजिटली हमने दिखा दिया और हमें छोड़ दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात भाई, इस साइड बारिश नहीं है, क्या वादा मौसम है भाई। लगता है हमको रेनकोट बहुत जल्दी उतारना पड़ेगा। गाइस डिब्रूगढ़ के आकाश को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ का आकाश खुला खुला सा है और यहाँ भाई बिल्कुल भी बारिश नहीं है। सुबह थोड़ी बहुत बारिश आई थी और अभी कोई बारिश नहीं। मुझे लगता है कि रेन सूट यहाँ उतारना चाहिए और नंदन बाजार जा करके पहले आरसी ले आते हैं। और बीच रास्ते में अगर कहीं हमें बारिश मिलती है तो भाई फिर रेन सूट क्या है, पीछे बैकपैक देख रहे हो ना, इसमें डालेंगे, अबे मतलब डाला हुआ होगा, निकालेंगे फिर पहन लेंगे। और आकाश में देख सकते हो गाइस डिब्रूगढ़ का एरोप्लेन, लकीली हमें दिख ही गया। एक ये रहा लैंड होने के लिए उड़ रहा है और दूसरा गाइस किधर गया, ये देखो भाई इसने टेक ऑफ किया। ओके तो गाइस डिब्रूगढ़ का जो प्लेन है वो मोहनबारी एयरपोर्ट में उतर ही जाएगा कुछ देर बाद, शायद अब तक उतर भी गया होगा। और अपनी बाइक यहाँ खड़ी है। चलो गाइस देर नहीं करते और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। 12 भी बज चुके हैं और हमें पहुंचते पहुंचते शायद 2-3 बजने वाले और रिटर्न होते होते शायद रात के कितने बजेंगे लंबू, रात के शायद 8-9 बजने वाले हैं। तो फटाफट निकलते हैं गाइस मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में, आपसे मिलते हैं और आपसे बातें करते करते नज़ारे दिखाते दिखाते चलते चलो। तो गाइस जहां हमने वाटर ब्रेक लिया था वहां का वाटर हमें सफिशियंट नहीं था, इसलिए हम इस दुकान पे आए आंटी की दुकान में, फिर से एक बोतल पानी लिया, अभी पानी पी रहे हैं। शायद पानी के साथ कुछ और चीज़ भी खाने वाले, लाइक जैसे केक हो गया, पीछे तो रोटी पूड़ी पता नहीं कुछ बन रहा है। अब जो खाना होगा आपको दिखाएंगे, इसके बाद यहाँ से फिर से चलेंगे। और इस बीच में फिर मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया, हार्डली 2-3 किलोमीटर आगे आ गया था इसलिए मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया। तो इसके बाद अभी ये मतलब वाटर ब्रेक और जो खाएंगे हम ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होगा उसके बाद, ब्रेकफास्ट मतलब घर में ऑलरेडी खा चुका था, फिर से एक और ब्रेकफास्ट के बाद फिर निकलेंगे आगे। गाइस मैंने आपको बताया था कि नंदन बाजार मुझे जाना है, उसके बाद आरसी लेके आना है। इस बीच में नंदन बाजार में गया, आरसी भी मुझे मिला, बट इसका जो है ना गाइस सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए आरसी अपन को मिल चुका, मैं आपको अपडेट करा देना चाहता हूँ। ओके तो गाइस खाने में हमने लिया है घुगनी, घुगनी बेसिकली अच्छा ये क्या था भाई, अच्छा कुरकुरे पॉपकॉर्न, क्या ये डाल के खाने में मजा होता है क्या? अच्छा तो भाई बता देना था, घुगनी बेसिकली मटर से बना हुआ एक मसाला मटर आप कह सकते हो, जिसमें प्याज वगैरह और आपके हिसाब से आप मसाला ऐड कर सकते हो। तो अभी अपन का खाना ये है और पानी की बोतल ले आए हैं, चलो ये फटाफट खाते हैं, उसके बाद आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप में मिलते हैं। काफ़ी देर से कहते आ रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप में मिलेंगे बोल करके, खुला भी हंसने लग चुका है अभी तो चलो इसको खाने के बाद ज़रूर से मिलेंगे। गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। ये देखो ये भाई इस बोलेरे को देखो कैसे चला रहा था, बैंक मतलब नहीं है भाई लोगों को, कैसे भी चला देते यार। मैं कहता हूँ यार जो भी हो देख के चलाओ। और यहाँ देख सकते हो बच्चे पूरा कूड़े के ढेर में पता नहीं क्या ढूंढते हुए। तो गाइस अपने राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ आप देख सकते हो बड़े बड़े टी स्टेट है और रास्ता भी भाई साहब रास्ते का हालत देखो, सबसे खतरनाक तो रास्ता है, मेरे को एक डर लग रहा है भाई एलोए ना मुड़ जाए बस। और गाइस यहाँ नजारा देख सकते हो टी स्टेट्स का, कितने ब्यूटीफुल टी स्टेट्स हैं। यहाँ रुक करके आप ड्रोन शॉट ले सकते हो, यहाँ रुक करके आप फोटोज क्लिक कर सकते हो इन टी स्टेट के मतलब आसपास जाकर के आप रील्स वगैरह बना सकते हो। गाइस इस साइड देख सकते हो पूरा का पूरा ग्रीन खेत, बहुत जल्द यहाँ धान की खेती भी होने वाली है। और ऊपर आसमान में बादल देख सकते हो, कितने ब्यूटीफुल कितने सुंदर बादल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से भाई हार्डली 60 किलोमीटर दूर है गुइजान, जो कि हमने तय किया कि हम एक घंटे के अंदर अंदर कवर कर लेंगे और अपनी स्पीड रहेगी 60, 65, 70। अभी अभी जस्ट गाइस हम एक्सीडेंट होने वाले थे और वो भी पापा की परी से, लेडीज बहुत अजीब तरीके से चला दी है ना। मैंने बोला क्या कर रहे हो बोल दिया। अब देखो आ रहे ऐसे कोई स्कूटी टर्न करता है कि हम पीछे से आ रहे, पता चला जाए लुकिंग ग्लास है। जिनको चलाना नहीं आता ना, जो थोड़ा बहुत जान के स्कूटी लेके आते, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता चलाने का, वो रोड में लेके ना आए। ऐसे हाईवे पर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी बाइक मत चलाना, सारे लेडीज को बोल रहा हूँ।
जिसको पता है वो तो यार चला ही लेंगे, जिसको नहीं पता वो मत चला रहा यार, तुम्हारी वजह से ना हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। और चलो फाइनली अपन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो चलो भाई यहाँ से फाइनली अपन ने तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एंटर कर लिया। देख सकते हो गाइस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद ही भाई इतना डेंजरस रास्ता हमें मिला है। सिर्फ ख़राब रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ ख़राब रास्ता। इतना ज़्यादा धूल, इतनी मिट्टी भाई। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट वालों थोड़ा सोचो यार, ऐसे रास्ते में थोड़ी ना यार चलेगा। रास्ता वास्ता बनाओ यार, इतना बुरा रास्ता का हालत है देखो। और गाड़ियाँ भी मतलब स्लो चलाती नहीं, बिल्कुल स्लो नहीं चलाती यार, इतनी स्पीड में आती है। और मतलब उनके चक्कर में ना अपन को मतलब साइड साइड से होकर के जाना होता है, जिसकी चक्कर में भाई अपनी जो बाइक है बार बार गड्ढे में गिरते जा रही है। अब जब रास्ता इतना यूज़ हो रहा है तो रास्ते की मरम्मत की भी तो ज़रूरत है ना। रास्ते को नया बनाओ नहीं करो, रास्ते की मरम्मत करो। ओके तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं गुइजान घाट के लिए। इस साइड जाते हैं तो तिनसुकिया टाउन स्ट्रेट माकुम, और इस साइड गुइजान घाट। अपन ने किया टर्न लेफ्ट और जा रहे हैं अभी गुइजान घाट। और गुइजान घाट जाने वाला रास्ता ऐसा है। जेब च मेरे नोट नहीं सी, उदो भी दिल च मेरे कदी खोट नहीं सी। जदो खोट केस तो खोट केस, तो नशिया च जूल जदो मेनू होश नहीं सी। जदो एक पाई भी मेरे नाम नहीं सी। जदो